जिंदा है अब तक, बोल जो कुछ कहना है कह ले। इंडिया वॉच से जुड़िए, सिटीजन जर्नलिस्ट बनिए। मोदी का ममता पर पलटवार, कहा युवा समझ गए सीएए लेकिन कुछ नेता समझना नहीं चाहते। घंटे में दो बार हुई पीएम मोदी ममता की मुलाकात, बयानों में नजर आई तल्खी। जेपी नड्डा फरवरी में संभालेंगे बीजेपी की बागडोर, लेंगे अमित शाह की जगह। पर कब्जे वाले सेना प्रमुख के बयान से तिलमिलाया पाकिस्तान, पाकिस्तान ने ट्वीट कर दी गीदड़ भपकी। दिल्ली विधानसभा चुनाव में सड़कों पर उतरेंगे भोजपुरी स्टार, बीजेपी को करेंगे प्रमोट। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉच, मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के दो दिवसीय दौरे पर शनिवार को कोलकाता पहुंचे। बता दें कि पीएम मोदी कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट के 150वीं सालगिरह के जश्न के साथ साथ कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। वहीं कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के बाद पीएम मोदी जलमार्ग से रामकृष्ण मिशन के मुख्यालय बेलूर मठ पहुंचे और वहां संतों से मुलाकात की। जबकि शनिवार को पीएम मोदी और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच दो बार मुलाकात हुई। पहली मुलाकात कोलकाता स्थित राजभवन में शाम करीब 4:30 बजे के आसपास हुई। पीएम मोदी एयरपोर्ट से राजभवन पहुंचे थे और ममता खुद उनसे मुलाकात करने वहां गई थी, जबकि दूसरी मुलाकात शाम 7 बजे के करीब कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट के 150वीं सालगिरह के जश्न में हुई, जो कि मिलेनियम पार्क में आयोजित था। वहां मंच पर पीएम मोदी के साथ साथ राज्यपाल धनखड़ और राज्य की मुखिया ममता बनर्जी भी नजर आई। बता दें कि राजभवन में कुछ देर की हुई मुलाकात के बाद ममता बनर्जी ने मीडिया में कहा कि मैंने पीएम को बता दिया है कि बंगाल में CAA और NRC स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही पीएम ने मुझे दिल्ली आकर मुलाकात करने के लिए कहा है। इस मुलाकात को लेकर ममता ने कहा कि यह एक शिष्टाचार भेंट थी क्योंकि वह बंगाल में आए थे। तो आपको बता दें कि ममता बनर्जी से दो बार मुलाकात, पहली बार राजभवन में और साथ ही दूसरी बार जब पोर्ट ट्रस्ट के 150वीं सालगिरह का जश्न हो रहा था और जो कि मिलेनियम पार्क में आयोजित किया गया था, वहां पर राज्यपाल धनखड़ साहब और साथ ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दोनों लोग मौजूद थे और उनके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से खास बातचीत हुई और जिसको लेकर ममता बनर्जी साफ तौर पर नजर आई और उन्होंने कह दिया कि CAA और NRC पश्चिम बंगाल में लागू नहीं किया जाएगा। इस विषय पर चर्चा हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ और इसी बात पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है दिल्ली आने के लिए, अब दिल्ली जाकर इस बात पर बात होगी। और साथ ही ममता बनर्जी कहती हुई नजर आई कि यह एक शिष्टाचार भेंट थी क्योंकि बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे। आपको बता दें कि जिसको लेकर जनसभा को संबोधित करते समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर पलटवार किया है और बेलूर के मठ से मोदी ने हुंकार भरी है और ममता पर पलटवार किया है और ये भी कह दिया कि युवा समझ गए कि CAA क्या है, क्यों लाया जा रहा है, इसका फायदा क्या होगा और क्यों जरूरी है। इन चारों शब्दों को और इन चारों तथ्यों को समझाते हुए ये बोलते हुए नजर आए कि इन चारों तथ्यों को समझ गए हैं हमारी युवा पीढ़ी, लेकिन कुछ नेता समझना ही नहीं चाहते, जो कि सीधी तौर पर यह था कि पश्चिम बंगाल की धरती पर ममता बनर्जी पर ही ये निशाना साधा गया था। लेकिन अब देखना यह है कि जो सामने से जो आमंत्रण दिया गया है कि दिल्ली आकर ममता बनर्जी को बुलावा जो भेजा गया है कि दिल्ली आकर वो CAA और NRC पर बात करें और ये पश्चिम बंगाल में लागू करें, क्योंकि आपको बता दें कि संसद से बिल पारित होने के बाद और प्रधान और राष्ट्रपति के द्वारा हस्ताक्षर होने के बाद से कानून बना ये CAA अब लागू हो चुका है, नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। और क्योंकि जब कानून होता है तो वो प्रधानमंत्री के
के पास ही उसका कोई भी उसके पास ही वो दायित्व होता है कि कोई इस पे फेर बदल कर सकते हैं। संसद के पटल से जो पास हुआ है संसद के पास ही अधिकार होता है और राज्य सरकार उसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता है, लेकिन उसके बाद भी इंटरफेरेंस की जा रही है राज्य सरकार के द्वारा। इसी बात को समझाने के लिए ही और साथ ही 150वीं सालगिरह में शिरकत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल की धरती की तरफ रुख किए। दूसरी बात, अगर हम राजनीतिक दृष्टि से देखना चाहें तो इस बार विधानसभा किसी भी तरीके से बीजेपी नहीं चाहती है कि वो बैकफुट पर खेले, फ्रंट फुट पर ही वो खेलना चाहती है और जीत हासिल करना चाहती है। और इस वजह से भी लगातार कोलकाता प्रायोरिटी रही है, चाहे फिर वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें या फिर हम अमित शाह की बात करें। हमेशा से पश्चिम बंगाल की धरती को, क्योंकि अलगाववादी नेता, लेफ्ट की राजनीति, फिर ममता बनर्जी की राजनीति, ये जो राजनीतिकरण पश्चिम बंगाल की धरती पर इतने सालों से होता आया है और जो जनता है वहाँ पर, चाहे वो धर्म के नाम पर हो, वो पिस्ती आई है या फिर राजनीति के आधार पर जो पिस्ती आई है, विकास जो है, क्योंकि संस्कृति मानी जाती रही है हमारी पश्चिम बंगाल की धरती, संस्कृति से परिपूर्ण मानी जाती रही है पश्चिम बंगाल की धरती, वो संस्कृति तो बरकरार है लेकिन विकास उसमें से कहीं ना कहीं गायब हो रहा है। और उसी विकास के मद्देनजर रखते हुए, ध्यान में रखते हुए मोदी जी ने वहां पे वो भी उस बात को भी ध्यान रखते हुए कार्यक्रम में शिरकत लेते हुए इस पे भी ध्यान लोगों का आकर्षित किया है। तो आपको बता दें कि बेलुरु में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, यानी कि बेलुरु में, यानी कि पश्चिम बंगाल के बेलुरु में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दूसरा दिन है। दो दिवसीय कार्यक्रम पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल में, और इसी क्रम में पश्चिम बंगाल में सबसे पहले पोर्ट ट्रस्ट के 150वीं सालगिरह के जश्न के साथ साथ कई कार्यक्रमों में भी हिस्सा लिया है। कार्यक्रम में हिस्सा लेने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जलमार्ग से रामकृष्ण मिशन के मुख्यालय यानी कि बेलुरु मठ पहुंचे और वहां संतों से मुलाकात की। जबकि आपको बता दें कि शनिवार को ही, कल ही जब आगमन हुआ मोदी जी का पश्चिम बंगाल में, तभी ममता बनर्जी के बीच मुलाकात हुई। और उसके साथ ही आपको बता दें कि ये मुलाकात सबसे पहले राजभवन में करीबन 4:30 बजे शाम को हुई, और उसके बाद एयरपोर्ट से राजभवन पहुंचे थे मोदी जी। और उसके साथ ही आपको बता दें कि दूसरी मुलाकात जो है करीबन 7:00 बजे कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट के 150वीं सालगिरह के जश्न में हुई थी। ये भी आपको बता दें कि पीएम मोदी के साथ साथ राज्यपाल धनखड़ और राज्य की मुखिया ममता बनर्जी भी नजर आई उस मंच पर, मंच भी साझा किया। अब ये सोचिए कि 2019 में वो एक मंच था जहां सभी विपक्षी दल एक साथ थे और आवाज बुलंद किया गया था बीजेपी के खिलाफ, मोदी के खिलाफ। आज एक मंच है जहां सीए को लेकर, एनआरसी को लेकर विरोध जरूर हो रहा है, हिंसात्मक विरोध हो रहा है, लेकिन वो हिंसात्मक विरोध को रोकने के लिए ममता बनर्जी की आवाज भी आई कि विरोध करिए लेकिन हिंसात्मक रवैया ना अपनाइए। उन सारे विरोधों के बीच में भी आज वो मंच है जहां पर ममता बनर्जी और मोदी जी साथ दिखे। वो मुलाकात जहां पर हो नहीं पाती थी 2019 से, कोशिश की जाती थी, जब बंगाल में प्राकृतिक आपदा आया, वही ममता बनर्जी जब मोदी जी ने सौगात देने की बात कही थी, उन बेघर लोगों के लिए मदद करने की बात कही थी, आर्थिक मदद, तो वही ममता बनर्जी थी जिन्होंने मना कर दिया था। लेकिन आज वही ममता बनर्जी हैं जहां उन्होंने बात तो की, एक बार नहीं दो बार मुलाकात हुई, वो मंच जहां पर वो साझा नहीं करना चाहती थी आज वो मंच पे सामने आई। तो एक कह सकते हैं कि ममता बनर्जी का जो रवैया है, इसके पीछे भी अगर हम टटोलना चाहें तो राजनीतिक जरूर होगा, लेकिन जो रवैया सामने दिख रहा है वो थोड़ा सा झुका हुआ लग रहा है, झुकाव लग रहा है, और कहीं ना कहीं सही भी है, क्योंकि राजनीति में भले ऊंच नीच होता है, भले अच्छा बुरा होता है, लेकिन हाँ, आपसी मतभेद होना बिल्कुल सही नहीं है।
लेकिन आपको बता दें कि ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है वो कहीं ना कहीं ज़रूर हिट करने वाला है विधानसभा चुनाव को, या फिर और जो ममता बनर्जी के रुख में जो बदलाव है, तेवर में जो नज़ाकत जो उनके झुकाव आया है, जो बदलाव आया है, वो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि ममता बनर्जी को ये लग गया है कि आक्रामक रूप से वो मोदी जी पर भारी नहीं पड़ पाएंगी, इसलिए रवैया थोड़ा सा उन्होंने अपना चेंज किया है, बदला है, क्योंकि जितना आक्रामक होंगी वो उतना ही वो बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाती हुई नज़र आएंगी, और यही रवैया जो है उन्होंने उसमें फेरबदल किया है। ये कह सकते हैं कि उनकी एक रणनीति भी हो सकती है ये करने के पीछे। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि दो बार मुलाकात और सीए और एनआरसी को नहीं लागू करने की बात भी कही गई है, जहां पर दिल्ली में बुलाकर मुलाकात करने के बाद से बात कही गई है, और इस मुलाकात को लेकर ममता ने सिर्फ यही कहा है कि एक शिष्टाचार भेंट थी क्योंकि मोदी जी बंगाल में आए थे। तो आपको बता दें हम किसी से भी कम नहीं हैं, और साथ ही नागरिकता सीए किसी की नागरिकता को छीनने का नहीं बल्कि नागरिकता देने का अधिकार है, यही बातें समझाते हुए नज़र आए हैं। और एक चीज़ बता दें थोड़ा सा जोड़ते हुए इसी में, क्योंकि पहले ही बोला जा चुका है गृहमंत्री अमित शाह के द्वारा दिल्ली में कि जन जागरण अभियान चलाएंगे और हर एक परिवार से मिलकर उनसे उन्हें समझाने की कोशिश करेंगे कि सीएए क्या है। और आज बंगाल में भी जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यही काम किया, जब जनसभा में हज़ारों की संख्या में लोग मौजूद हैं वहां उनसे जुड़ते हुए और ये समझाते हुए कि सीएए नागरिकता छीनने का नहीं बल्कि नागरिकता देने के लिए ये कदम उठाया गया है और ये ज़रूरी है, और हमारे रिसोर्सेस को जो हैं जो कि इतने कम खुद ही अपने आप में हैं वो कोई वो उनको मिले जो देश के नागरिक हैं, वो उनको ना मिले जो देश के नागरिक नहीं हैं, जो घुसपैठिए हैं, जो रोहिंग्या हैं और जो अपने जड़ जमाए हुए हैं भारत देश में और जो कहीं ना कहीं नासूर बनाते जा रहे हैं भारत को, उन्हें हटाकर फेंकने के लिए, उनको हटा के उस नासूर को ख़त्म करने के लिए ये कदम उठाया गया है। जबकि भारत जो है वो संस्कृति है, वो आपसी भाईचारे की संस्कृति रही है, ऐसी धरोहर हमारी जहाँ पर हर जाति हर धर्म के लोग रहते आए हैं, तो भारत फिर कैसे ये बात सोच सकता है कि हम किसी को जो रह रहा हो उन्हें हम उठा के बाहर फेंक देंगे। जबकि बार बार ये समझाया जा चुका है कि सीएए किसी की नागरिकता को नहीं छीन रहा है बल्कि नागरिकता दे रहा है, और ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बढ़ते हुए भारत के लिए, सर्वश्रेष्ठ भारत के लिए। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ लौटेंगे, देखते रहिए इंडिया वॉच।